गाइस हम इस वीडियो पे बात करने वाले हैं पुष्पा 2 मूवी के बारे में, स्पिरिट मूवी के बारे में, शैतान मूवी की एडवांस बुकिंग के बारे में और मैदान मूवी के ट्रेलर के बारे में जो कि आज ही आने वाली है। सबसे पहले मैं आपको पुष्पा 2 मूवी के बारे में बताना चाहूंगा जो कि एक मासी सॉन्ग का शूटिंग चल रहा है अभी RFC में। बहुत पहले चेन्नई में एक मासी सॉन्ग का शूटिंग चल रहा था जिसका अपडेट हमें बहुत पहले से देखने को मिला था, आपको याद होगा तकरीबन 1 साल हो चुका होगा उस टाइम पे, और सॉन्ग से ही शुरू हुआ था ये लोग ओवरसीज के लोकेशन में फिल्म का शूटिंग वगैरह शुरू करना चाहते थे लेकिन वहां पे नहीं करके आकर के चेन्नई से ही शुरू करें और एक मासी सॉन्ग के साथ शुरू करें, इस तरह का अपडेट हमें देखने को मिला था। मेरे कहने का मतलब ये है कि पुष्पा 1 की तरह पुष्पा 2 में भी हमें बहुत सारे मासी सॉन्ग देखने को मिलेगा, जैसे पुष्पा 1 में ए बिट्टा ये मेरा अड्डा, फिर जागो जागो बकरे, ऐसे करके 3-4 हमें मासी सॉन्ग ही देखने को मिले थे, फिर आइटम सॉन्ग भी देखने को मिले थे। बिल्कुल वैसा वाला सिलसिला जो है पुष्पा 2 मूवी के साथ भी हो रही है जो कि हमें मासी सॉन्ग भी देखने को मिलेंगे, 2-3 मासी सॉन्ग भी देखने को मिलेंगे और एक आइटम सॉन्ग भी देखने को मिलेगा दिशा पटानी के साथ इस बार। ओके, और ये जो सॉन्ग अभी चल रहा है जिसका शूटिंग अभी RFC में चल रहा है, जिसका अपडेट अभी हमें देखने को मिला है, इसकी जो कोरियोग्राफर है वो है प्रेम रक्षित वो है जो कि नाटू सॉन्ग का कोरियोग्राफी करे थे जो कि ऑस्कर लेकर के आए, और नाटू सॉन्ग का डांस मूवमेंट आप देखे होंगे। तो जरा आप अभी इमेजिन करो कि पुष्पा वाले किरदार के साथ अल्लू अर्जुन प्रेम रक्षित के कोरियोग्राफी में एक मासी सॉन्ग में जब डांस करेंगे तो क्या लगेगा भाई वो नजारा। ओके, बहुत जबरदस्त होगा। तो गाइस जैसे रश्मिका मंदाना अभी के हाल ही के एक इंटरव्यू में जैसे बता रहे थे कि पुष्पा 2 मूवी बहुत बड़े लेवल पे बन रही है, एकदम से खतरनाक लेवल पे बन रही है, तो गाइस उम्मीद जितना बांध सकते हो बांध के रखो, पुष्पा 2 मूवी बहुत खतरनाक होने वाली है। ओके, तो अभी आप इस मासी सॉन्ग के लिए कितना एक्साइटेड हो एक कमेंट जरूर करिएगा। प्रेम रक्षित प्लस अल्लू अर्जुन, तो डांस मूवमेंट किस तरह का होने वाला है जरा इमेजिन करो और एक कमेंट जरूर करिएगा इसके ऊपर। मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ एक्चुअली में, क्योंकि अल्लू अर्जुन कितना डांस खतरनाक करते हैं, किस लेवल की डांस मूवमेंट दिखाते हैं आप लोगों को पता है। तो प्रेम रक्षित के कोरियोग्राफी में और क्या करेंगे, वो भी पुष्पा भाव के किरदार में जो कि उनकी करियर की सबसे बड़ा किरदार है। ओके, तो जरा सोचो कैसा होने वाला है। अभी हम बात करते हैं स्पिरिट मूवी के बारे में। स्पिरिट मूवी के बारे में मतलब संदीप रेड्डी वांगा जी के बारे में, जो कि अभी तिरुपति जा करके पूजा वगैरह करे, अपने बाल अर्पण कर दिए और अभी एनिमल मूवी से मतलब सारा का सारा काम अभी पूरा धो लिए हैं, अपने आप को पूरा स्वच्छ कर दिए हैं, अभी स्पिरिट मूवी में डायरेक्टली वो जुड़ने वाले हैं। स्पिरिट मूवी के लिए वो पूजा वगैरह करे तिरुपति में और अभी स्पिरिट मूवी में वो डायरेक्टली जुड़ेंगे और मतलब स्पिरिट मूवी में काम करेंगे और उसका हमें थोड़ा थोड़ा अपडेट भी देखने को मिलेगा। और इसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि अभी जो संदीप रेड्डी वांगा जो है अपने पिछले कामों से जो जितना भी उनका पास्ट में जो भी जिस काम में भी जुड़े हुए थे सब कुछ अभी क्लियर कर दिए हैं, अभी वो बस जाकर के स्पिरिट मूवी में जुड़ेंगे, तो बहुत मजा आने वाला है। मैं यहाँ पे सोचता हूँ यार डार्लिंग प्रभास, देखो अनुराग बापूरी के साथ जो फिल्म आने वाला है उसका म्यूजिक वर्क स्टार्ट हो चुका है, मतलब उसका भी शूटिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। ऑलरेडी राजा साहब मूवी का शूटिंग चल ही रहा है, कल्कि 2898 मूवी में वो अभी काम कर रहे हैं रिसेंटली, फिर अप्रैल से सलार 2 मूवी का भी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो कितने सारे फिल्मों के साथ काम करने वाले हैं डार्लिंग प्रभास, और एक साथ कितने सारे शूटिंग करेंगे भाई इसलिए उनके चाहने वाले इतने हैं एक्चुअली में। ओके, तो स्पिरिट मूवी का थोड़ा थोड़ा अपडेट जब आएगा गाइस बहुत मजा आने वाला है। संदीप रेड्डी वांगा जी इसके ऊपर हमारा नजर रहेगा हमेशा कि किस तरह का स्टेटमेंट देते हैं, कैसा अपडेट देते हैं, अभी तो स्पिरिट मूवी में वो जुड़ने वाले हैं जाकर के। ओके, अभी हम बात करते हैं शैतान मूवी की एडवांस बुकिंग के बारे में। शैतान मूवी का एडवांस बुकिंग एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही धीमा है क्योंकि अभी कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, वो अकेला रिलीज हो रहा है, लेकिन फिर भी एडवांस बुकिंग बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। क्या होगा यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या मतलब दृश्यम के जैसा कुछ कमाल कर पाएगा, दृश्यम 2 के जैसा कमाल कर पाएगा नहीं कर पाएगा पता नहीं, लेकिन फिल्म रिलीज जब हो जाएगा ना उसके बाद असली प्रमोशन होगा। मैं हमेशा कहता हूं कि फिल्म रिलीज होने के बाद ही फिल्म का असली प्रमोशन होता है, शायद यही खेल जो है शैतान मूवी के साथ हो सकता है, क्योंकि शैतान मूवी का ट्रेलर टीजर पोस्टर वगैरह देख करके तो ऐसा लग रहा है कि फिल्म एकदम से लेवल पे बनी हुई है, बहुत जबरदस्त होगा। चलिए इसकी एडवांस बुकिंग के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। 9000 से ज्यादा तक की सोर्स में एडवांस बुकिंग चल रहे हैं, 9000 प्लस सोर्स में एडवांस बुकिंग चल रहे हैं और टिकट जो है सोल्ड आउट हो चुके हैं 86,000 टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं आज की डेट में, आज 7 तारीख, कल फिल्म रिलीज हो रहे हैं तो कम है भाई कम है। ओके, इंडिया ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो 2 करोड़ से ज्यादा तक की इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है और ज्यादा होना चाहिए, तकरीबन 4-5 करोड़ तो हो जाना चाहिए एक्चुअली में ऐसे टाइम पे। देखते हैं क्या हो रहा है, जब फिल्म रिलीज होगा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही असली पोटेंशियल बताएगा फिल्म का क्या हो रहा है, बाद में पता चलेगा। ओके, फिलहाल के लिए एडवांस बुकिंग के नंबर बताए तो थोड़ा सा कम लग रहा है, 2 करोड़ से ज्यादा तक की इंडिया ग्रॉस कलेक्शन देखने को मिला है।
लेकिन इंक्रीज हुआ है भाई, कल के डेट में तो 1 करोड़ था और आज 2 करोड़ है, तो सही है, ओके, डबल हुआ है। तो आज की डेट के लिए थोड़ा ज्यादा भी हो जाएगा, 4-5 करोड़ तक एडवांस बुकिंग चला भी जाएगा। अगर ऐसा होता है तो अच्छा खासा डे वन कलेक्शन का नंबर हमें देखने को मिल सकती है। देखते हैं क्या हो रहा है आगे, कल ही तो है, ओके, 8 तारीख। कल के लिए आप कितना एक्साइटेड हो एक्चुअली शैतान मूवी के लिए, कमेंट जरूर करिएगा। थिएटर में कौन कौन जाने वाले हो शैतान मूवी को देखने के लिए, कमेंट जरूर करिएगा। मैदान मूवी के बारे में बात करेंगे, मैदान मूवी का ट्रेलर आज आ रही है अजय देवगन सर की, और इस फिल्म का इंतजार न जाने कब से हमें था, और ये ट्रेलर जो हमें बहुत पहले से देखने को मिल चुका रहता, क्योंकि इसका सेंसर रिपोर्ट वगैरह जो है बहुत पहले से हमें देखने को मिला था। आई थिंक 23 फरवरी से हमें देखने को मिल चुका था, जो कि US सर्टिफिकेट मिला है ट्रेलर को, और 2 मिनट 40 सेकंड समथिंग इसका ड्यूरेशन है वो ट्रेलर का। ट्रेलर ऑलरेडी कब से तैयार है, 23 फरवरी से हमें इसका सेंसर रिपोर्ट वगैरह देखने को मिल चुका था, तो वही ट्रेलर को ही अभी ये लोग दिखा देंगे। तो आज की डेट में ही वो ट्रेलर हमें देखने को मिल रही है। टाइम के बारे में अभी तक पता नहीं चला है दोस्त, कहीं पे भी मेंशन नहीं हुआ है, कहीं पे भी अपडेट देखने को नहीं मिला है, लेकिन मेरे ख्याल से दोपहर तक मैदान मूवी का ट्रेलर जो है हमें देखने को मिल जाएगा। ट्रेलर की बात हो रही है तो थोड़ा सा मैं बात करूंगा आपको, कल एक वीडियो मैदान मूवी की तरफ से देखने को मिला है छोटा सा, जो कि बहुत अच्छा लगा एक्चुअली में, बहुत अच्छा लगा। कुछ बच्चे आए अजय देवगन सर के पास, वो फुटबॉल चला गया, ओके, और उसको जिस तरह से मारे और जिस तरह से फिल्म को दिखा रहे हैं, वो छोटा सा एक क्लिप में, एक टीजर में बहुत मजा आया देख करके। ट्रेलर के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, आज दोपहर तक वो ट्रेलर देखने को मिल जाएगा। और मैदान मूवी के लिए मैं जहाँ देखता हूँ, जितने मतलब मेरे मैं जितना मैदान मूवी की क्रेज के बारे में देखता हूँ, तो भाई शैतान मूवी से भी मैदान मूवी का क्रेज बहुत ही ज्यादा दिखता है मेरे को, ओके। तो आप कितना एक्साइटेड हो मैदान मूवी के ट्रेलर के लिए, एक कमेंट जरूर करिएगा, ओके। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।